वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ हूँ, तो मैं नीचे खड़ी हूँ अभी। तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि तो गाइस आज है श्रेष्ठ का ग्रेजुएशन डे, स्कूल में रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आर यू रेडी फॉर योर ग्रेजुएशन डे? क्यों क्रिशु, आज आपको ग्रेजुएट हो जाओगे आप? क्रिशु आज ग्रेजुएट हो जाएगा, ग्रेजुएट। आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है क्रिशु को? करनी है ना, तो फिर और मेहनत करेंगे ना। इधर देखिए, करेंगे ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है इवनिंग का, और आज मैं खुशखबरी देना चाहूँगी आपको क्रिशु का। मैंने आपको दिखाया था क्रिशु का भी रिजल्ट आ गया है और सानवी का भी रिजल्ट आ गया है। सानवी के जैसे उस टाइम शायद मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, लेकिन सानवी की एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसको, फीवर और पूरा बॉडी पेन वगैरह सब कुछ था, और बेचारी ने दवाइयाँ खा खा के पेपर देने गई थी। तो फाइनली उसने 75% नंबर आए हैं उसके, और मैं खुश हूँ कि मतलब वो उसके नंबर अच्छे, ठीक है जैसे भी है, लेकिन अच्छे मेरे ख्याल से तो अच्छे जैसे उसने मेहनत करी है। और क्रिशु भी पास हो गया है। क्रिशु तो अभी छोटा और क्रिशु तो ग्रेजुएट हो गया है। आप लोगों ने देख, आप लोगों को मैं क्लिप डालूंगी, क्रिशु ग्रेजुएट हो गया है ना क्रिशु। अब क्रिशु को डिग्री भी मिल गई है, छोटे बच्चे ग्रेजुएट भी होते हैं। आप ग्रेजुएट हो गए हो ना, हाँ। अब क्रिशु मार नहीं खाएगा और क्रिशु को सब प्यार करेगा, क्योंकि क्रिशु ग्रेजुएट हो गया। और क्रिशु कुछ भी शैतानी नहीं करेगा, नहीं, ग्रेजुएट बच्चे को शैतानी भी नहीं करते, ठीक है? ओके ओके ओके। तो क्रिशु हो गया ग्रेजुएट, क्रिशु को मिल गई है डिग्री, और क्रिशु एंजल से भी बड़ी क्लास में पहुंच गया है। क्यों एंजल? क्रिशु क्यों सानवी, क्रिशु किस क्लास में पहुंच गए? मुझसे भी बड़ी क्लास में। क्रिशु ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। क्रिशु का था ग्रेजुएट डे ना, तो क्रिशु की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। क्रिशु हो गया ग्रेजुएट। क्यों? क्रिशु का फेवरेट स्थान ये देखिए, क्रिशु हमेशा ऐसे ही सोफे पे लेटता है, आधे सोफे पे और आधा मेज पे। यस क्रिशु, लग जाएगी आपको, धीरे से आराम से उठो। गाइस पिछली बार मैं शायद जो उसकी नवरात्रे थे तो उसमें मैं गई थी डांडिया, तो मैंने वो ब्लॉग डाला था। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में डांडिया खेला था, जो मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी डांडिया खेलने की, वो भी मतलब वहाँ पर पांडाल में। तो मैंने डांडिया खेला था उस दिन, मुझे बहुत मज़ा आई थी। मैं और मेरी सिस्टर्स गए हुए थे, तो वो ब्लॉग पड़ा हुआ है मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा हम लोगों ने वहाँ पर कितने मज़े किए थे। वो नवरात्रि के दिन थे, तो आप ज़रूर देखिएगा ब्लॉग। अच्छा आप ग्रेजुएट हो गए, तो आप क्या देखोगे? आपके लिए मैंने, आपकी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैंने अभी आपके लिए क्या मालूम है, मैंने टीवी रिचार्ज करा दिया आपके लिए, और मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो वन का D2H एक्टिव चैनल स्टार्ट कराया है, ताकि आप अच्छी अच्छी राइम सीखेंगे। ओके सिंचैन देख लेना,
वन टाइम ओनली। हाँ वन टाइम वन टाइम। अच्छा आप स्पाइडर मैन का नेम क्या है? ओके आप स्पाइडर मैन हो क्या? तो स्पाइडर मैन कौन था? ओके ओके। और कौन सा आपको पसंद है? सुपर हीरो पसंद है हल्क। हल्क का नाम क्या है? अच्छा अच्छा और बताइए और सुपर हीरोज के क्या नाम है? सब लोग सुपर हीरो को जानते हैं। आयरन मैन का नाम क्या है? आयरन मैन। सुपर मैन का नाम सुपर हीरो। सुपर बैटमैन का नाम सुपर। अच्छा बैटमैन का क्या नाम है? आयरन मैन क्या क्या है मेरे को तो सुपर बैटमैन। बताओ बताओ दीदी क्या बोल रही है आपसे बताइए। आयरन मैन का क्या नाम है? आयरन मैन का टोनी। ओहो और हल्क का क्या था? हल्क का आपका फेवरेट कौन सा? अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट सुपर हीरो क्या कौन सा है? तो आपके पास सारे हैं है ना? स्पाइडर मैन भी है, कैप्टन अमेरिका भी है आपके पास? नहीं पता आपको? तो चलो हाँ ये नाम है उसका। भाई मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है भाई। मैं तो ये सब सुपर हीरो देखती नहीं हूँ क्रिशु है ना। गाइस आज का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ठंडी हवा चल रही है, वो तो हमेशा हम अपनी बच्चे की निगरानी करने के लिए दोनों बैठे रहते हैं। देखते छोड़ो सुन के है अभी पक्षी देखो ना थोड़े बड़े हो गए वो है ना, शायद उनको उड़ना उड़ना सिखाते हैं ये लोग। हवा चल रही बहुत तेजी से आज। ओके हेलो गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ आज बीन्स का पुलाव। उसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, तो आप ज़रूर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं जाकर मैंने किस तरीके से बीन्स का पुलाव बनाया है जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो आज हो रही है यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश, काफ़ी बारिश हो चुकी है, आज शाम से ही बारिश हो रही है। तो मैंने इस वजह से फिर सबका मन था कुछ ऐसा कुछ खाने का, तो मैंने कहा सोचा कि और कृषु आज बहुत खुश है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सानवी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने टीवी रिचार्ज नहीं कराया था, तो मैंने करा दिया है आज। और सानवी और श्रेयस दोनों मिल के अपना किड्स एक्ट वगैरह देख रहे हैं, तो वही मैंने उसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा जाके। और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पुलाव है जो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। एक फुल मील है, आप उसको लंच में भी ले सकते हैं रायते के साथ, दही के साथ, या किसी चटनी के साथ, और या फिर आप उसको डिनर में भी ले सकते हैं अगर आप डिनर लाइट करना चाहते हैं। तो बहुत हेल्दी रेसिपी है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपसे, तो प्लीज़ जाकर वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। सानवी कैसा बनाए? कैसा है? बहुत अच्छा है, टेस्टी है। गाइज आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और हम मेरा तो डिनर बन गया है आज, सब डिनर में यही खाएंगे। तो सानवी ने नहीं रायता नहीं लिया है, उसने खाली ये लिया पुलाव लिया है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।